मोदी जी अपने वो उसमें एक जलसे में जा रहे हैं रोजगार के वहां जलसे में, 71,000 नई जॉब लेटर्स वहां डिलीवर करें। रोजगार मेला सर, रोजगार मेला लग रहा है जी। तो 1 करोड़ का तो वादा हमारा भी था, कहा तो गया था कि लोग बाहर से आके गोरे भी यहाँ जाबे करेंगे, यहाँ पे अमेरिकन आके उबर चलाएंगे, यहाँ अमेरिकन गोरे गोरियां आके यहाँ पे क्रीम चलाएंगे, यहाँ पे वो घरों में डिलीवरियां करेंगे, पिज्जा आपका जो पापा जान पिज्जा डिलीवर किया करेंगे। आपने भी दिखाए तो ख्वाब हमें ऐसे ही थे, लेकिन दुख के साथ है कि आपकी शायद आवाज पड़ोस वालों ने सुन ली है, वो 71,000 जॉब लेटर, मैं समझता हूँ हिस्ट्री, मैं आज तक पहले इस तरह की खबर मैंने नहीं सुनी। लेकिन ये मैं हमेशा ये कहता हूँ, कुछ कॉपी करने की कोशिश कर लो, चलो कोई तो खबरें तो सुन लो यार, शर्म ही आ जाए हम लोगों को, करना तो दूर की बात है, खबरें उनकी हर सुन। सर चैनल ही बैन कर रखा है तो कैसे खबरें सुनेंगे ये? इन्होंने तो इंडियन चैनल्स बैन कर रखे, न्यूज चैनल यहाँ नहीं चल सकते। तो मूवीज तो चलाते हैं भाग भाग के, मूवीज तो उनके सिनेमा में चल रही है, देखे ना, ढंग की कोई सबक वाली चीज नहीं सीखनी वहां से। वहां से ये नहीं सीखना कि इंटरनेट वो भी तरक्की टेक्नोलॉजी में, आईटी टेक्नोलॉजी में तरक्की किस तरह कर रहे हैं, उस साइड पे नहीं जाना। गाने तो बहुत चलाते हैं उनके हर जगह, आप किसी चले जाए भारतीय चैनल देखे ना, आपने गानों में तो बहुत आपका जोर है। मैं तो बल्कि एक और बात करना सर चाह रहा था, कल एक खबर थी कि दुबई में अंबानी साहब के बच्चे की 28th बर्थडे थी, और उसमें दो हमारे पाकिस्तानियों ने देखे, हमने हमने तरक्की की है कुछ चीजों में, गानों में, नाच गाने में, वहां पे आपके आतिफ असलम साहब ने अपनी आवाज का जादू जगाया, वहां आपके वो क्या नाम है उनका, नुसरत फतेह अली, क्या नाम है उनका, फतेह अली, क्या नहीं, जी उन्होंने भी गाया। मेरा हाँ जी, हाँ जी, राहत नाथ फतेह फतेह अली साहब ने भी गाना गाया। आप मतलब की चीजों में बहुत तरक्की करते हैं, दो नंबरी में बड़ी तरक्की की आपने, जिस तरीके से आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं बड़े आराम के साथ, निकाल के करोड़ों डॉलर निकाल के तो लंदन भाग जाते हैं आप, मैं समझता हूँ आज तक किसी मुल्क में इस तरह पॉसिबल नहीं। आपने तरक्की तो आप करते हैं, मैंने आपको कहा था पाकिस्तानियों ने तरक्की बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, दुबई और लंदन में तरक्की की। सर, आपको पता है कि वहां के दो तीन न्यूज़पेपर्स के लिए मैंने आर्टिकल्स लिखे, और जब वो प्रिंट वहां पर हो गए और यहाँ पर मैंने देखने की कोशिश की तो पता चला कि वो वेबसाइट हमारे यहाँ ब्लॉक कर रखी है पाकिस्तान ने, हम अपने आरजू ही आर्टिकल नहीं देख सकते। आर्टिकल, आप जरा कुछ बोल के देखें, शाम को ले जाएंगे, ये जबान पे तो ताले हैं। मैंने आपको क्या कहा, आप हॉस्टेज हो, और 76 साल से हॉस्टेज हो, आज से नहीं हो। आप देखें माजी के अंदर लोग जो बोलते थे, जो नज्मे लिखते थे, हबीब जालब का देख लें, मुनीर नियाजी का देख लें, कितना कितना अरसा जेलों में उन्होंने गुजारा, सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने मार्शल लॉ और इन चीजों के खिलाफ लबकुशाई की उन्होंने। तो ये तो फिर देखे ना, इस्लामिक रिपब्लिक है, इस्लामिक रिपब्लिक में ऐसे ही होता है। मैं अब इसका क्या कहूं, मैं तो शर्मिंदा होता रहता हूँ सुन सुन के बातें आपकी, आपके आपकी प्लानिंग देख देख, प्लानिंग तो है ही नहीं है ना, मौजूद ही नहीं है किसी के पास में। जो हमारे अमीरुल मोमिनीन ने कह दिया कि ओवरसीज पाकिस्तानी को लाएंगे यहाँ बाजू मरोड़ के, तो वहां दूध की नहरें चलेंगी, लेकिन दुख वाली बात है आपका तो बहुत 300 के करीब पहुंच रहा है आपका डॉलर, ऑलमोस्ट 300 पहुंच बिल्कुल चुका है बिल्कुल, और किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। आईएमएफ के लिए कुछ खबर आ जाए तो आपके जो रूलिंग एलीट है छलांगे मारती है, क्योंकि बच्चे भूखे बैठे हैं लंदन में। सर, अब सऊदी अरब और यूएई से कहा जा रहा है कि सऊदी अरब 2 बिलियन दे रहा है और यूएई 1 बिलियन दे रहा है, उसी पे मुबारकबादियां चल रही हैं। बस वो लूटियां डाली जा रही हैं जी, लूटियां डाल रहे हैं, कहते भाई आगे पैसे, डॉलर डॉलर डॉलर, और वो पाकिस्तान में तो पहुंचेंगे भी नहीं पैसे, वो दो वही वही इन्वेस्ट होंगे, पैसे प्लाजे व्लाजा ले लेंगे, वही घर बना लेंगे सऊदी अरेबिया, पता नहीं वो किस मेरे ख्याल में जो मेरी इंफॉर्मेशन के लिहाज से जो नया ब्लॉक बना है चाइना का, रशिया का, सऊदी अरेबिया का, उस ब्लॉक में ये कुछ चीज बेचेंगे अपनी, कुछ कुछ ना कुछ करेंगे तो उससे सऊदी अरेबिया से पैसे ले लेंगे, क्योंकि उन्हें जरूरत है इस वक्त अगेंस्ट यूएस अमेरिकन ब्लॉक ब्लॉक के खिलाफ, तो ये जाएंगे अमेरिकन ब्लॉक के खिलाफ जाएंगे। अमीरुल मोमिनीन है वो यहाँ पे पैसे दे के कांग्रेसमैनों से ट्वीटें करा रहे हैं, और जो दूसरी पार्टी है वो चाइना रशिया से सऊदी अरेबिया से पैसे ले लेंगे और भाग जाएंगे, दोनों सारे भाग जाएंगे अपने अपने लतिया, लंदन वासी लोग हैं, लंदन के रहने वाले हैं, डोमिसाइल इनके लंदन के हैं, जिनके बच्चे वहां बैठे हों लंदन में वो डोमिसाइल उनका वहीं का होता है ना, एक के 3 बच्चे हैं, दूसरे के 2 अपार्टमेंट इतने ज्यादा है,
तीसरे सर का जजेस, सर जजेस क्यों बार बार अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं? कभी कहते हैं कि स्टेट बैंक पैसे दे दे इनको अगर इलेक्शंस करवाने, ये इनका क्यों मसला हल नहीं हो रहा जजेस का? ये तो उनका इंटरेस्ट है इस चीज में, वो उनका इंटरेस्ट है। और देखे ना, पंजाब का, पंजाब के इलेक्शन में सिर्फ इंटरेस्ट ले रहे हैं, जहां से अमीरुल मोमिनीन के जीतने के चांसेस हैं। सिंध में नहीं वो इलेक्शन का जोर जोर दे रहे हैं, ना बलूचिस्तान में जोर दे रहे हैं, वहां से अमीरुल मोमिनीन जीत नहीं पाएंगे। तो वो भाई उनका इंटरेस्ट है। देखे ना, वो अदालत, सियासत, सहाफत, ये सारा कुछ तो एक हुकूमत, एक चीज कर दी ना उन्होंने, लंडे के भाव बिक्री चीजें वहां पर। तो भैया गलत, आज लोग परेशान हैं पूरी दुनिया में कि ये चीफ साहब ने ये इसका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो ऑर्डर किया है। मेरे ख्याल में तो इनको चाहिए कि क्या जरूरत है इलेक्शन की, चीफ जस्टिस साहब भी पाकिस्तान चलाना शुरू कर दें, अदालत से बैठ कर रोजाना ऑर्डर कर दिया करें, 100 मुलाजिम इधर ट्रांसफर कर दो, 200 इधर भेज दो, और यहीं पर देख कर रेलवे को भी वॉच करें यहीं से अदालत में बैठ के, PIA को भी चलाएं यहीं से अदालत से बैठ के। क्या जरूरत है हमें एक टूटा फूटा वजीर आजम या इलेक्शन रखने की, क्या जरूरत है? अगर चीफ जस्टिस ने सारे फैसले करने हैं तो चीफ जस्टिस ही चला ले पाकिस्तान, कोई अरज नहीं है। पहले भी कई चीफ जस्टिस आपके सदर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? वजीर आजम भी चीफ जस्टिस बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिस तरह आपका मुल्क है सोमालिया, सोमालिया जैसे मुल्कों में इस तरह ही होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस भाई, जिसकी लाठी बड़ी है वो चलाता है, वो चला रहे, उनकी लाठी बड़ी होगी तो वो स्टेट बैंक को भी उन्होंने कह दिया है कि कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देंगे। पहले देखे ना आपके, वो जो पहले किस खूबसूरती से पनामा से अगामा निकाला, फिर बड़ी खूबसूरती के साथ प्राइम मिनिस्टर जो जिलानी साहब थे उनको डिस्क्वालीफाई किया। तो पहले भी तारीख आपकी भरी पड़ी है, जस्टिस मुनीर जैसे बहुत बड़े जूरिस्ट थे, बाद में मिनिस्टर बन गए कानून के, वो कैबिनेट के अंदर। मैं हैरान होता रहता हूँ। सर ये 50 ईयर्स मना रहे थे ना अभी 73 के आइन के ऊपर, उसमें आर्मी चीफ भी गए हैं, उन्होंने भी बात की है, उसको किस तरह देखेंगे आप? देखिए, मैं उस पर बात तो तब करूं अगर आइन की कोई रिस्पेक्ट हो आपके मुल्क के अंदर, किसी कानून की कोई रिस्पेक्ट हो तब तो किया जाए। देखिए, आपने 73 का कानून बनाया था, अभी आप बिल्कुल अभी उसको, आपका मुल्क दो टुकड़े हुआ था, मशरकी पाकिस्तान, बांग्लादेश बना था, आप डिमोरलाइज थे, आपने वो कानून बनाया, लेकिन साल बाद ये जियाउल्लाह साहब ने उसके पड़खच्चे उड़ा दिए। मैंने शायद आपको बताया था कि 4 दफा आपकी वायलेशन उसकी हुई है, एक दफा तो जियाउल हक साहब ने 10 साल आइन सस्पेंड कर दिया, फिर उसके बाद आपके परवेज मुशरफ साहब आए, 2 दफा उन्होंने किया, 3 दफा तो चौथी दफा आपके ये सूरी साहब ने कर दिया उसका टुकड़े, अब 5वीं दफा, ये 90 दिन का इलेक्शन नहीं है, 5 दफा तो वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके टुकड़े कर दिए आपने। तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? गलत किया इन्होंने, पैसे जाया करते हैं, एक खाना खाने का, खाबा खाने का बहाना होता है, चले भी लंच कर लेते हैं इसी बहाने, 200 बंदों का लंच 300 बंदों का कर दो जी, कुछ आप उसमें से घर ले जाओ, कुछ वो इधर उधर खा पी जाएंगे। ये फ्रॉड ड्रामा है सारा, ड्रामा टोपी ड्रामा है जी सारा। भाई कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो जब कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल ही नहीं करते हो? वो बुक ऑफ कोड है ना, वो बुक ऑफ लॉज है, जिसके जरिए जिस तरह मुल्क चलाना है, तो मुल्क तो चल ही नहीं रहा, मुल्क तो बंद पड़ा है, दुकान तो बंद है सारी, तो उसकी सेलिब्रेशन की क्या जरूरत है आपको? आइन की रिस्पेक्ट, जब आइन की रिस्पेक्ट नहीं है तो उसकी सेलिब्रेशन किस चीज की है? देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर तो कोई कानून मौजूद ही नहीं ना, 51,000 केसेस जो है वो बिल्कुल, वो पता नहीं खत्म हो गए किधर गए, सिर्फ एक केस चल रहा है खान साहब के इलेक्शन का, और तो केस ही कोई नहीं। पिछले 8 महीने से आपकी अदलिया है वो सिर्फ इमरान खान को कर रही है, चाहे लाहौर की हाईकोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है, उनकी पहली प्रायोरिटी क्या है? PTI। सर ये वही अदलिया है ना जहां पे इमरान खान ने 2014 में और उससे पहले शलवारें और कुर्ते सूखने डाल दिए थे दीवारों पे, वो पिक्चर्स आज भी मौजूद है, पिक्चर्स मौजूद है, टीवी पे अटैक किया था, कोई पूछने वाला नहीं है, ऑडियो लीक हो चुकी थी, वीडियो ऑडियो थी आपकी, अलवी साहब की, सारे कह रहे उड़ा के रख दो, पकड़ दो भाई, आज भी तो यही है ना, किसी भी अदालत में जाते हैं वो और जाते हैं तो हमला करते हैं, वो कौन सा अदालत में पेश होने करने जाते हैं? 5,000 बंदों को साथ लेके जब अदालत में हमला करने जाए तो जज किस तरह आगे, जब जज अंदर डर के बैठा होगा किसी कमरे में घुस के, उसने कौन से जस्टिस देना है? लेकिन मेरी समझ से बाहर है, आज तक कुछ हुआ है उसका? जिन लोगों ने हमले किए अदालतों पे कुछ हुआ नहीं, क्या जरूरत है भाई? उससे करने से तो आपकी दुनिया में रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी ना, क्या जरूरत है? आप जहां जाते हैं आरजू, जहां जाते हैं आप एयरपोर्टों पर, सारा जहाज, सारे मुसाफिर निकल जाते हैं, आपको साइड पर निकाल लिया जाता है, इधर आ जा भाई, फूका जा रहा है भाई, फूका जा रहा है, किस मार पे है तू? पहले तो तूने तस्वीर चेंज की होगी, नाम चेंज किया होगा, तेरे पास क्या है?
देखें, मुझे एक दफा दुबई एयरपोर्ट पे ऊपर उन्होंने डिसरिस्पेक्टफुल किया मुझे, तो मैं आम एन अमेरिकन सिटीजन, तो मैंने प्रोटेस्ट किया, मैंने कहा आम एन अमेरिकन सिटीजन, तुमने मुझे मेरी बेइज्जती की है, ये क्या कर रहे हो मेरे कहते कपड़े उतारो, मैंने कहा नहीं। तो मैंने जब उनसे पूछा दुबई एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट, उन्होंने कहा भाईजान हम आपके कपड़े अमेरिकन करके नहीं उतार रहे, पाकिस्तानी करके उतार रहे हैं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा इस वक्त सबसे ज्यादा ड्रग्स जो है दुबई में वो पाकिस्तान से आ रही है। तो भाई वो हम तो कोशिश ही नहीं करते, हम तो कहते हैं भाई शॉर्टकट मारो, पैसा निकालो तो चले निकले, चाहे किसी तरीके से, फ्रॉड से, ड्रग्स से, किसी तरीके। देखिए आप ड्रग्स में अफगानिस्तान से जो ड्रग है सारी आपके जरिए निकल के जाती है यहाँ से इस वक्त अफगानिस्तान की जितनी, लेकिन अफसोस हम ब्लेम तो अफगानिस्तान को कर देते ना, हम कहते अफगानिस्तान वाले कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, फैसिलिटेटर हम लोग करते तो उगाते तो शायद वही है, उनका भी हालत देख लें, नमाज पांच टाइम पढ़ेंगे लेकिन ड्रग बेचेंगे ड्रग उगाएंगे, कहते हैं नहीं। अच्छा दूसरा उनकी क्लैरिफिकेशन क्या होती, कहते जी हम जो काफरों के बच्चों को ड्रग्स पे लगा रहे हैं, यार खुदा का खौफ करो यार, कहते नहीं जी दुश्मन मुल्कों में हम स्मगल करेंगे ड्रग्स, ये सारी जायज है, ये इस्लाम की सर्विस हो रही है, एक गलत कॉन्सेप्ट, समझने की कोशिश ही नहीं इस्लाम को की इन्होंने, उसकी फिलॉसफी को समझने की बजाय रिचुअल्स में फंस गए। रोजे 27 अब आखिरी अशरा चल रहा है, जितने जखीरा दोज है सारे इस वक्त मदीना और मक्का में जा रहे हैं फ्लाइटें ले ले, उन्होंने यहां पे तसल्ली की है रमजान के महीने में, खून चूसा लोगों का, खून गरीबों का चूस के अब जाके कहते बख्शवा के आ जाए, जाए वहां बैठे तो वहां पे जाके मक्का में फिर दोबारा एक क्लीन स्लेट करा के आ जाए, अगले साल फिर उसकी वही दहशत कर दे, वही तमाशा करें, खून खून चूसते हैं गरीबों का, क्या इनको करूं, ये मजहब इसको कहते हैं यार। लेकिन सर ये टीटीपी वाले इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, बनू वगैरह में रिएक्शन तो कर रहे हैं लेकिन बगैर पैसे के कैसे होगा, क्योंकि फंड तो नहीं मिल रहे, करने नहीं चाहते यार, पहले माजी में तो ये